इधर की साइड में, मैं समझ लो इतनी दूर गया, और उधर जाते ही सूता मार गया भाई। गाइस यहीं की बात है, यहीं पे मैं चलता तो हुआ जा रहा गाइस था मैं एक और जरूरी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। तो मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी मैं जस्ट यहाँ पे गाइस इधर से उस साइड पीछे चल के ही आ रहा था पैदल पैदल यहाँ के लिए घूमने के लिए। इधर अमृत सरोवर ये बना हुआ, तो इस पे बैठने के लिए मैं आ रहा था यहाँ पे घूमने के लिए। तो हुआ क्या मेरे साथ गाइस कि कुछ दो लोग आए थे एचएफ डिलक्स बाइक से, उनका नंबर तो मैं नोट नहीं कर पाया, नहीं तो मुझे पता था कि नंबर क्या है क्या नहीं था उनका। क्योंकि उन पे एक जो पाइप होता है ना, पाइप बड़ा सा पाइप जो नल के बोरिंग वगैरह में यूज करते हैं, वो पाइप लेके जा रहे थे भाई। और मैं रोड से नीचे था गाइस, बिल्कुल नीचे था भाई, ऐसे मान लो ये रोड है इससे थोड़ा नीचे था। और उन दोनों आके गाइस मेरे यहाँ पे जो पाइप है ना उस सिर पे मारा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अभी भी दुख रहा है गाइस, अभी जस्ट आधे घंटे पहले की बात है ये। मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की बट साले रुके नहीं भाई, भाग के चले गए, उनकी कुछ पता नहीं भाई। मतलब एकदम आप लोग सोच ही सकते हो, रोड पे भी भाई कोई सेफ नहीं है सीरियसली गाइस। अगर मेरे खून वगैरह निकल आता, सोचो अगर गलत जगह पड़ जाती भाई तो मेरा क्या होता, ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती गाइस, कुछ भी नहीं हो सकता था गाइस। तो मैं बस इसमें इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ आप लोग को कि अगर आप लोग कुछ भी ऐसा करते हो तो एक बार कम से कम रुक तो सकते हो, अगर रुक सकते हो तो रुको, उससे बात करो, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाओ अगर उसको ज़्यादा ही तकलीफ़ है। अभी मान लो मेरे सिर यहाँ से फट जाता, कुछ भी हो जाता, ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो जाती, तुम लोग तो भग गए थे बहन, जो घर वालों को कौन वो देता भाई। अगर नहीं दे पाता, पुलिस वगैरह ढूंढती 2 से 4 दिन, 2-4 दिन बस कुछ नहीं कर पाती, बस ज़्यादातर पकड़ भी लेते उसे तब भी गाइस उसको अफसोस नहीं होता इस बात का। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को यही मैसेज देना चाहूँगा कि रोड पे भी बंदा अभी सेफ नहीं है गाइस, और अगर आप भी ड्राइविंग कर रहे हो तो गाइस हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग ठीक से सेफ होकर राइडिंग कीजिए, ताकि नीचे वाला जो व्यक्ति है ना हमारा, जो पैदल चल रहा है साइकिल से चल रहा है, उसका ध्यान रखिए कम से कम कि उसका सिर वगैरह में कहीं पर भी चोट ना लग सके। और मेरे अंदर लगी गाइस, इसलिए मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे पाइप पड़ा था गाइस तार सीधे एकदम, मतलब उस टाइम के लिए मेरा सिर एकदम चकरा सा गया, मुझे ना ही तो बाइक दिख पाई उन लोगों की ठीक से। मैंने कहा अबे वो रुक तो जा कम से कम भाई, बात कर ले, 2-4 बात कर ले। कह रहा रुक रहा हूँ रुक रहा हूँ, थोड़ा दूर गया संभाल लो यहाँ से, वो साइकिल खड़ी है उससे इधर की साइड में, मैं संभाल लो इतनी दूर गया, और उधर जाते ही सूता मार गया बाइक से भाई। नहीं तो उधर कोई था जो मेरी मदद कर सकता था, एक बंदा था कुछ चुपचाप बैठे अपने पशुओं को चरा रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग सबसे ज़्यादा सतर्क रहें और सावधान रहें कि गाइस कोई भी ऐरा गैरा आके हमें ना ठोक सके। और बाकी सब बाइक राइडरों से, बाइक चलाने वाले भाइयों से मैं यही विनती करूँगा कि ठीक से बाइक चलाओ भाई, दूसरे का भी देखो, उसका भी भाई घर परिवार फैमिली जो भी है सब कुछ है भाई। अगर ऐसे आप लोग चलोगे तो कुछ भी हो सकता है गाइज, रोड है ये गाइज। इतनी ज़्यादा लगी नहीं थी इसलिए मैंने ना घर वालों को फ़ोन किया ना ही पुलिस वगैरह का मैटर में पड़ा, मैंने कहा चलो जान दो भाई कोई बात नहीं। तो यही है गाइज, आप लोग बताएं कमेंट में क्या करना चाहिए क्या नहीं ऐसे बंदों के साथ में मुझे। और बाकी बड़े हरामी बंदे हैं गाइज गाँव में पड़े हुए, तो भाई यही है कि अपना ठीक ठाक से चलो यार। मैं कोई प्रवचन देने के लिए वीडियो नहीं शूट कर रहा ना ही ये कोई ब्लॉग है, बस एक इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आई होप अभी तक आप लोग के लिए ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो बस हाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइस अगर फुटपाथ पे भी कोई बंदा चल रहा है ना, आप अपना काम करने जा रहे हो, आप लेके जा रहे हो, तो बी केयरफुल रहिए गाइस, कभी भी पीछे से कहीं से भी कोई आके ना ठोक सकता है, कोई भरोसा नहीं भाई। बाकी भगवान जाने जैसे मैं बचा हूँ ना, वो मैं जानता हूँ और भगवान ही जानता है बस। बाकी इन लोगों को कोई गाइस फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे कोई मरे कुछ भी हो, अगर पाइप की थोड़ी सी कनोर भी घुस जाती ना यहाँ पे खत्म था गाइस मामला सब। बाकी देखते हैं अगर वो बंदे मिलेंगे दोबारा ना तो उनको दिखा तो दूंगा एक बार मैं गाइस ठीक से। दिन के तारे जो मुझे दिखे ना, दिन में तारे मुझे दिख गए थे, ऐसा हुआ सीन मेरे साथ में, उन्हें दिन के नहीं रात के तारे दिन में दिखाऊंगा मैं उन्हें ठीक से, अगर वो एक बार मिल गए मुझे तो भाई। बाकी यही है अपना कि अलर्ट रहो सबसे ज़्यादा, बाकी कोई भी नहीं देख के चलता भाई, खुद बचो, दूसरा
दूसरे का कोई भरोसा नहीं। मैं भी गाइस कार ड्राइव करता हूँ, बाइक ड्राइव करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी किसी को ऊपर चढ़ा दें या हम लेके जा रहे हैं कोई चीज़ तो ठीक से ना पकड़ें उसे। तो बस यही है भाई, यही कहना चाहता हूँ मैं। और आप लोग कमेंट में बताइए उसके साथ क्या करना चाहिए। यहीं की बात है, यहीं पे मैं चलता हुआ जा रहा था और इस साइड था मैं रोड के बिल्कुल नीचे गाइस। बट चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचानी थी मुझे, तो धन्यवाद गाइस। जय हिंद, जय भारत।